नमस्कार दोस्तों, आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर को एक नए वीडियो के साथ मैं अपने चैनल पे आप सभी के सामने हाजिर हूँ। जैसे कि स्क्रीन के पीछे आप आलोक इंडस्ट्री का नाम देख पा रहे हैं, तो मैं आलोक इंडस्ट्री के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। और आलोक इंडस्ट्री पे क्या हो रहा है, तो आलोक इंडस्ट्री पे आप देख सकते हैं कि 2 दिन इस पे ट्रेडिंग काफ़ी बेहतरीन हुई है। बेहतरीन किस हिसाब से, तो देखिए, पहला कल इस स्टॉक में एक रेंज पे ही इसने ट्रेड किया। कभी अपर सर्किट में था, कभी ये नॉर्मल ट्रेडिंग पे थी, बट लोअर सर्किट्स कल नहीं लगी थी। लेकिन आज मार्केट खुलते ही इस स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। इस वीडियो पे भी हम लोग इसके डिलीवरी परसेंटेज को देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने का लिए ये वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, आलोक इंडस्ट्री पे हो क्या रहा, तो आपने सारी चीज़ें जान ही ली होंगी कि रिलायंस इंडस्ट्री ने आलोक इंडस्ट्री को बिड की, बिड फाइनल हुई, NCLT में सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद आलोक इंडस्ट्री को रिलायंस इंडस्ट्री ने एक्वायर किया, और कुछ दिनों तक इसमें सारी प्रोसेसिंग हुई। और उसके बाद अचानक से पिछले 2 महीने पहले ही हमने देखा कि आलोक इंडस्ट्री को डिलीस्ट करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने पिटीशन डाला। और पिटीशन के करीब करीब 14 या 15 दिनों के बाद में इसकी हेयरिंग होने वाली थी, वो 15 तारीख को थी। 15 अक्टूबर को उनकी हेयरिंग होने वाली थी, बट उससे पहले ही 14 तारीख को 2 रिटेल इन्वेस्टर्स ने पिटीशन किया कि आलोक इंडस्ट्री को डिलीस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, जिसे GOC फॉर्म हमने भी हमारे चैनल में फिलअप करवाया, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी इसे काफ़ी फैलाया गया, जिससे बहुत सारा फॉर्म फिलअप हुआ। और 1000 इन्वेस्टर्स का उन्होंने एक डेटा दिया कि हमारे पीछे 1000 से भी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो डीलिस्टिंग के अगेंस्ट हैं। तो ये सब चीज़ें हुई। तो उसके बाद 25 अक्टूबर को फिर से एक हियरिंग की डेट थी, लेकिन वो हियरिंग की डेट फिर से कैंसिल होती है और 13 तारीख तक एक्सटेंड की जाती है। तो अभी नवंबर 1 13 तारीख तक देखा जाए, नवंबर 13 तारीख को ये डिसीजन आएगा कि क्या हो सकता है, और इसके आगे भी डेट बढ़ सकती है। लेकिन 13 तारीख को आने से पहले अभी ये स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा, तो क्या बात है। तो चलिए, अच्छी बात है कि इसने अपर सर्किट लगाया, और हमारे और आपके सभी जैसे हमारे छोटे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया एक होप से, और होप क्यों ना हो, क्योंकि इसमें 5 साल तक डीलिस्ट की बात नहीं थी, इसे आप मान लीजिए। क्योंकि जब ये बिड फाइनल हुई थी, तब इसमें रिजुनेशन जो इनका प्लान था पूरा, उसमें क्लियरली कहा गया था कि आलोक बिडर्स कैन नॉट डिलिस्ट शेयर्स दिस शेयर्स फॉर 5 ईयर्स। 5 सालों तक इसे डिलिस्ट नहीं कर सकते, ऐसा बिड था। और बिड को एक्सेप्ट किया गया था रिलायंस के तरफ से, और NCLT के पास एक बार रिलायंस इंडस्ट्री ने इसे डिलिस्ट करने के लिए भी एक पिल डाला था, बट इन्होंने क्या किया, उसे रिजेक्ट कर दिया, उसी समय रिजेक्ट किया। और उसे रिजेक्ट करने के बाद सारी प्रोसेसिंग हुई, आलोक इंडस्ट्री एक्वायर हुई रिलायंस इंडस्ट्री की हुई, और उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो देखिए, आलोक इंडस्ट्री को इतने आसानी से डिलिस्ट नहीं कर सकती है रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी थी। सारी चीज़ें मानने के बाद ये फैसला हुआ कि NCLT में कि आलोक इंडस्ट्री को रिलायंस इंडस्ट्री खरीद सकती है। पेमेंट्स हुए, बहुत सारे पेमेंट्स हो चुके हैं, और अभी ये डिलिस्टिंग होना इतना आसान नहीं है। इसका जो आप देखेंगे तो हमारे चैनल पे एक वीडियो इसके लिए बना हुआ, जब हम लोग पास्ट देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स थे जिसमें डिलिस्टिंग की बात हुई थी, लेकिन डिलिस्टिंग नहीं हुई किसी कारण कारणवश। तो वो कारण कौन कौन सा था, तो बहुत सारे रीजंस मैंने इकट्ठा करके आपके सामने प्रेजेंट किया था। उसमें से दो दो रीजंस ऐसे थे जो सेम आलोक इंडस्ट्री के साथ अभी हो रहा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, और आलोक इंडस्ट्री का प्लेलिस्ट खोलिए, और प्लेलिस्ट में एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें थंबनेल पे ही भी डाला हुआ कि आलोक इंडस्ट्री को इतने आसानी से डिलीस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वीडियो पे सारी चीज़ें दिखाना और बताना बहुत लेंदी हो जाएगा।
जबकि ऑलरेडी एक वीडियो कंपोज किया हुआ, तो आप जाके उसे ज़रूर देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आलोक इंडस्ट्री को 5 सालों तक डीलिस्ट करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री कतई ये नहीं होंगे, रिलायंस इंडस्ट्री की कोशिश जो है वो असफल होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, जैसा कि एक GOC का जो फॉर्म था उसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत की, हमने की, हमारे व्यूवर्स ने की, क्योंकि उन्होंने भी किसी न किसी को अपने इस लिंक को शेयर किया होगा। और इसी के बदौलत आज भी आलोक इंडस्ट्री एक होप बना हुआ, होप फॉर द बेस्ट, और डीलिस्ट नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप ज़रूर इसे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। उससे इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको इसके डिलीवरी परसेंटेज एक बार ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, हम लोगों ने इसकी ट्रेडिंग तो देखी बट डिलीवरी नहीं देखी थी, इसीलिए मैं NSE के वेबसाइट पे आया हूँ, डिलीवरी देखने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर बीड की बाइंग की क्वांटिटी आप देखिएगा तो अभी भी 11,26,722 इस पर खड़े हैं बाइंग करने के लिए। आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी अमाउंट में बाइंग ऑर्डर लगी हुई है। तो अभी एक दो दिनों तक मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अपर सर्किट में रह सकता है, और आई थिंक ऐसा लगता है मुझे कि इंटरनली कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो हमें अभी तक पता नहीं चल पाई हैं। डिलीवरी परसेंटेज देख लीजिए, 71.64% की डिलीवरी परसेंटेज है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, इस पर किसी तरह का कोई न्यूज़ अभी अपडेट नहीं हुई है। किसी भी वेबसाइट पे और किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी न्यूज़पेपर पे, कहीं पे भी कोई न्यूज़ पब्लिश्ड नहीं हुई है। अगर न्यूज़ आती तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचा देता, इसके लिए आप ना फिक्र रहें, कोई अपडेट आएगी ज़रूर मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। तो अभी इसमें कोई न्यूज़ नहीं फ्लैश हुई है, फिर भी इसमें अपर सर्किट लगा, बहुत अच्छी बात है, और आगे भी लगता रहे ऐसा मैं भी होप करता हूँ, क्योंकि बहुत इस पे बिलीव है कि आलोक इंडस्ट्री एक अच्छा स्टॉक बन के साबित हो सकता है। इस पे दमसम है, बस इसके मैनेजमेंट के वजह से इस स्टॉक में एक इतनी बड़ी हम लोगों को नेगेटिव टर्म देखने को मिला कि ये स्टॉक NCLT के दौर से गुजरा, दिवालिया घोषित हुई कंपनी और एक मजबूत हाथों पे गई है रिलायंस इंडस्ट्री के हाथ पे। चलिए, इस वीडियो कहीं पर एंड करता हूँ, और एंड करने से पहले एक बार ज़रूर मैं थैंक्स कहूँगा हमारे सभी व्यूअर्स को, क्योंकि आपके सपोर्ट के वजह से आलोक इंडस्ट्री का भी डीलिस्टिंग प्रोसेस यहां तक पहुंचा है। और 13 तारीख तक वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि 13 तारीख को इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हो सकता है इसके बाद भी डेट मिले, तो घबराना नहीं है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं ज़रूर बने रहें, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और बेस्ट होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और कुछ इंटरनल बातें हो रही हैं, उसे न्यूज़ के माध्यम से पेश नहीं किया गया है, बट हमें सोर्सेज के हिसाब से ऐसा पता चल रहा है थोड़ी थोड़ी कि IBS तक डीलिस्टिंग के लिए हो सकता है ये लॉ NCLT, इस पर कुछ हमारे तरफ से पॉजिटिव बात निकल के आए। तो चलिए देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, बट अभी तो जो हो रहा वो अच्छा हो रहा। और चलिए, इसमें इस स्टॉक के लिए अभी इतना ही बातें करूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, कुछ नए स्टॉक्स को लेके। तब तक के लिए बाय, और नए विजिटर्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए फॉर द लेटेस्ट एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट। थैंक यू।